लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने पत्रकारों को दी गाली, हाथ उठाने की कोशिश की, वीडियो वायरल। हिंसा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा पर सवाल पूछने पर भड़के टेनी, कहा मीडिया वालों ने एक निर्दोष आदमी को फंसाया, शर्म नहीं आती। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली किया गया तलब, शाम तक दिल्ली पहुंचेगी अजय टेनी। लखीमपुर कांड पर संसद में जोरदार हंगामा, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने किया हंगामा, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी के नोटिस पर पीयूष गोयल का बयान, कहा अदालत में विचाराधीन मसले पर सदन में चर्चा नहीं होती। लखीमपुर कांड पर कांग्रेस ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव, अजय मिश्रा टेनी को हटाए जाने की मांग। लखीमपुर खीरी कांड पर अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई की मांग, राकेश टिकैत बोले अजय टेनी को बर्खास्त किया जाए। जौनपुर में दूसरे दिन भी अखिलेश यादव का दौरा, विजय रथ जनसभा में बीजेपी पर अखिलेश का हमला, कहा टेनी को बर्खास्त करे सरकार। अयोध्या में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना, यूपी चुनाव में जीत का लिया आशीर्वाद। नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से की आरती। काशी के बाद अयोध्या में बीजेपी का संगम, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सरयू घाट पर जाकर पूजा अर्चना की। नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सरयू नदी में अर्घ दिया, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। रामनगरी अयोध्या में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अयोध्या दौरा, रामनगरी में शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव समेत कई मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे, हरियाणा और गुजरात के सीएम भी रामनगरी में मौजूद। यूपी के चित्रकूट में 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकता महाकुंभ में हिस्सा लिया। चित्रकूट में संतों के महाकुंभ में धर्मांतरण, लव जिहाद समेत 12 मुद्दों पर मंथन, संत सम्मेलन में 5 लाख लोगों के जुटने का दावा। लखनऊ से यूपी नंबर 1 सुझाव, आपका संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ, सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज, सत्र के दौरान सरकार लाएगी अनुपूरक बजट। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने रखा शोक प्रस्ताव, सीडीएस बिपिन रावत को किया नमन, कहा सटीक फैसले के लिए जाने जाते थे जनरल रावत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का हंगामा, हाथों में तख्तियां लेकर महंगाई, किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। लखीमपुर हिंसा मामले में लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में निकाला मार्च, मंत्री अजय कुमार टेनी को बर्खास्त करने की मांग। यूपी के सीएम योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर किया नमन, लखनऊ में पटेल की प्रतिमा पर अर्पित किए पुष्प। यूपी के सीएम योगी ने कहा राष्ट्रनायक को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो पहले की सरकारों ने नहीं दिया। अखिलेश यादव का बीजेपी के हिंदू कार्ड पर निशाना, कहा चुनाव आते ही बीजेपी धार्मिक कार्ड खेलती है, बीजेपी हर मुद्दे को हिंदू धर्म से जोड़ देती है। अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भटकाती है। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी के होर्डिंग पर लगी राकेश टिकैत की फोटो, बीकेयू ने किया विरोध, होर्डिंग हटाने की मांग की।